एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र कृषकों से किसी कारण से नाराज हो गए और 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लिया। उन्होंने नाराज होकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। अब ये सुनकर तो सारे किसान चिंता में आ गए, अगर 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो उनका क्या होगा। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। किसानों ने जब इतनी प्रार्थना की तब इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा दे तो बारिश हो जाएगी। अब इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बता दिया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से ये आग्रह भी कर दिया कि आप इन किसानों से सहमत मत होना। जब ये किसान अपनी प्रार्थना लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे तब भगवान ने कहा, अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। अब किसान तो सारे निराश हो गए और उन्होंने 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। सोचा बारिश नहीं आने वाली तो खेत जोत कर मेहनत क्यों करें। ये सोचकर सभी किसान हार मानकर बैठ गए, लेकिन उन सब में से एक किसान ऐसा था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई गुड़ाई करना और बीज बोने जैसे काम करता रहा। अब ये माजरा देखकर गांव के बाकी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। अब इस मेहनती किसान का मजाक उड़ाने के लिए वो बाकी गांव वाले उसके पास गए और उससे पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि बारिश नहीं होने वाली तो खामखा मेहनत क्यों कर रहे हो। उस मेहनती किसान ने इसके जवाब में कहा, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होने वाली और फसल भी नहीं उगने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार 12 वर्षों तक अगर मैंने खेती नहीं की तो हो सकता है मैं खेती और किसानी का काम भूल जाऊँ और फिर मेरे शरीर को श्रम की आदत भी छूट जाए। इसीलिए मैं ये काम नियमित रूप से कर रहा हूँ, ताकि जब बारिश हो तब मुझे अपना काम करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये तार्किक चर्चा पार्वती माँ भी बड़े कुतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता थोड़ा सोचने लगी, फिर भगवान शिव से सहज होकर उन्होंने बोला, प्रभु हो सकता है कि 12 वर्ष बाद आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाओ। अब माता पार्वती की ये बात सुनकर बाबा भोले भी थोड़े चिंता में आ गए। वो भी सोचने लगे कि कहीं वो भी तो अपना डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, और अपना डमरू बज रहा है कि नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न किया। अब जैसे ही इस तरफ डमरू बजा, दूसरी तरफ उस गांव में बारिश शुरू हो गई, और बारिश की वजह से जिस किसान ने अपने खेत में नियमित रूप से निंदाई गुड़ाई की थी, खेत जोते थे और बीज बोए थे, उसके खेत में तो भाई बढ़िया सी फसल उग गई, और बाकी के जो किसान थे उनके पास पछतावा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न था। वैसे देखा जाए तो आज भी हम कुछ ऐसी स्थिति में हैं, हम भी उन किसानों की तरह सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की बजाय हमें अपने कार्य और व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं के ऊपर काम करना है। वो कहते हैं ना, पड़ी हुई तलवार पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है और उसकी धार भी खराब हो सकती है, लेकिन हमें इस समय का उपयोग अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना है, वो भी बिना हिम्मत हारे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये परिस्थिति से हम जरूर से बाहर निकलेंगे। जल्द ही सब सामान्य होगा, भगवान का डमरू जल्द ही बजेगा। तो ये तो थी मेहनती किसान और भगवान शिव के डमरू की बात। आगे भी ऐसी कई सारी रोचक और सीख से भरी हुई कहानियां लेकर मैं सुरभि आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।